ईश्वर को न मानने वाले, दान का खंडन करने वाले, परंपरा का उल्लंघन करने वाले, अपने कर्म तथा आश्रितों यानी पुत्र, स्त्री, देवता, अतिथि और सेवक आदि को दुख देने वाले घोर नरक में जाते हैं। यह भी जानना चाहिए कि जो स्त्री, बालक, सेवक तथा गुरुजनों को न देकर अकेले भोजन करते हैं और देवता, पितर तथा बलि, विश्वदेव आदि यज्ञों को न करके भोजन करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो कांटों से, पुल से, लकड़ी से, पत्थरों से या कटीले लोहे के तार आदि से मार्ग को रोकते हैं, वे निश्चय नरक में जाते हैं। जो ब्राह्मण अपने धर्म को भूलकर दासी के संग शैया पर सोता है, वह नरक को जाता है। और जो शूद्र की स्त्री से अपनी संतान पैदा करता है, वह ब्राह्मणत्व से नष्ट हो जाता है। वह ब्राह्मणों में अधर्म है। ऐसे ब्राह्मण को नमस्कार तथा पूजा आदि नहीं करनी चाहिए। जो अपने शरीर के मल को अग्नि या जल में डालते हैं, बगीचे में तथा गौओं के स्थान में मलमूत्र करते हैं, वे निश्चय नरकगामी होते हैं। चमड़े को बेचने वाला वैश्य, चरित्र को बेचने वाली स्त्री और विष का विक्रय करने वाले निश्चय ही नरक को जाते हैं। जो दीन अनाथ पर दया नहीं करते हैं और जो सज्जनों से द्वेष करते हैं, जो बिना अपराध के किसी को दंड देते हैं, वे निश्चय ही नरक को जाते हैं। जो मनुष्य आशा से युक्त घर में आए हुए याचक ब्राह्मण को रसोई में तैयार होने पर भी भोजन नहीं देते हैं, वे भी निश्चय ही नरक को जाते हैं। और सब जीवों में अविश्वास करने वाले और दया न करने वाले, समस्त प्राणियों के साथ कुटिलता करने वाले निश्चय नरक ही को जाने वाले होते हैं। जो मनुष्य मित्रों से द्रोह करते हैं, जो प्रीति भंग करते हैं, जो आशाओं पर तुषारापात करते हैं, वे भी निश्चय ही नरक को जाने वाले होते हैं। जो पुरुष विवाह को, देव यात्रा को और तीर्थ यात्रियों को नष्ट करते हैं, वे निश्चय नरक में बसते हैं। वहां से वे फिर पुनः नहीं लौटते हैं। घर में, ग्राम में तथा वन में आग लगाने वालों को यमदूत पकड़कर अग्निकुंड में पकाते हैं। जब अग्नि में शरीर जलने से वह पापी प्राणी छाया मांगता है, तब उसको यमदूत पकड़कर पूर्वोक्त असिपत्र वन में ले जाते हैं। तलवार के समान तीखे पत्तों के लगने से जब शरीर कट जाता है, तब यमदूत कहते हैं कि हे पापी, ठंडी छाया में सुख की निद्रा ले ले। जब वह पापी पानी पीने को मांगता है, तब यमदूत उसको पीने के लिए अत्यंत गर्म तेल देते हैं और कहते हैं कि लीजिए, खाइए, पीजिए। उस गर्म तेल को पीते ही उस जीव की अंतड़ी जल जाती है और वह मूर्छित होकर गिर पड़ता है। इस तरह अपकर्म करने वाले पुरुष नर नारी कष्ट झेलते हैं।